नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे केले के एक प्रमुख रोग सिगार एंड रॉट के बारे में। 2 साल पहले इसे एक साधारण रोग माना जाता था, लेकिन अब यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसकी प्रमुख वजह है वातावरण में अत्यधिक नमी का होना। जिन इलाकों में अत्यधिक बारिश होती है या अक्सर बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, वहाँ यह बीमारी सबसे अधिक पनप रही है। इस रोग से प्रभावित होने पर केले के फल सिरे पर सूख जाते हैं और भूरे व काले रंग में सड़े हुए से दिखाई देते हैं। कवक की वृद्धि वास्तव में फूल आने की अवस्था से ही शुरू हो जाती है और फलों के परिपक्व होने के समय में या उससे पहले भी दिखाई देती है। इस बीमारी से प्रभावित फल का भाग भूरे रंग के कवक से ढक जाता है, जो फल के सिरे पर राख की तरह दिखाई देता है। भंडारण या परिवहन के दौरान यह रोग पूरे फल को भी प्रभावित कर सकता है। यह रोग मुख्य रूप से कवक ट्रकिसफेरा फ्रुक्टीजेना द्वारा और कभी कभी एक और फंगस वर्टिसिलियम थियोब्रोमे के द्वारा भी होता है। स्वस्थ ऊतकों पर कवक का हमला बरसात के दौरान केले में फूल आने की अवस्था में होता है। सबसे पहले यह फूल के माध्यम से केले को संक्रमित करता है, वहां से यह बाद में फल के सिरे तक फैल जाता है। इस रोग का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो केले के सिरे पर राख के समान दिखाई देता है। एक तरह से यह सिगार जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इस रोग का नाम सिगार एंड रॉट पड़ा है। किसान मित्रों, फंगस को नियंत्रित करने के लिए आप बेकिंग सोडा पर आधारित स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रे को बनाने के लिए 2 लीटर पानी में 25 मिलीलीटर तरल साबुन के साथ 50 ग्राम बेकिंग सोडा को प्रति लीटर पानी में घोलकर घोल तैयार करें। सिगार एंड रॉट के संक्रमण से केले को बचाने के लिए इस मिश्रण को संक्रमित शाखाओं और आसपास की शाखाओं पर स्प्रे करें। इससे कवक के विकास की रोकथाम होगी। इस रोग के प्रभाव को रोकने में कॉपर कवकनाशी यथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे भी प्रभावी हो सकता है। आप चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।